चल दिए हैं वाटर अंडर पास के पास में जा रहे हैं। तो गाइस दिखाएंगे वहाँ पे कैसे मिडन ड्रेन को ज्वाइन किया गया है ना। इसके नीचे से ना पूरे रोड के पार निकल जाओगे ना, तो पानी के लिए छोड़ा गया है ताकि पानी उधर का पानी फ्लो होके और इस साइड निकल जाए। भाई बॉडी दिखाइए ज़रा। अरे गजब क्या खाया आज है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ब्लॉग्स। तो गाइस ये बच्चे देख रहे हैं, तो ये ब्लॉग में पहचानो भाई, तो मेरी ये शॉर्ट वीडियो में आते हैं, तो इसकी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो डाली इसकी, इसे भी देख लो। और पीछे वाला काफ़ी टाइम था ना भाई, कहाँ था तू? हाँ इतने दिन थे, हम इन्हें बुला रहे थे जो आना रहता, कहाँ था? तो भाई कोई नहीं, एक बार फिर से कल वीडियो में आएगा है ना। तो दोस्तों आज मैं अपडेट देने वाला हूँ। तो गाइस मैं जा रहा हूँ वाटर अंडर पास से, और वाटर अंडर पास से जो मिडन ड्रेन है वो कैसे कनेक्ट हुई, कैसे पानी का फ्लो होगा उसका, तो आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो गाइस चलते हैं भाई, पता लेट्स गो। चल 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 चल, ए गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। चल दिए हैं वाटर अंडर पास के पास में जा रहे हैं। तो गाइस दिखाएंगे वहाँ पे कैसे मिडन ड्रेन को ज्वाइन किया गया है ना। और गाइस आज बच्चों का मन था, तो भाई आज मैं जल्दी आ गया था बिनावर से, और भाई ये भी मुझे बुला के लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भाई, वीडियो को लाइक भी कर दो। तो गाइस ये बच्चे आए थे मुझे बुला के लेकर आए, और भाई मेरी लोकेशन है बगली नगर, और अभी जो टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है? 7:30। ओ भाई साहब ये 24 घंटे का फॉर्मेट लगा भाई, 19:28 हो रहे हैं। तो गाइस अभी ऐसे बज रहे होंगे, 7 बज रहे होंगे। तो भाई 7:30 बज रहे हैं है ना। तो गाइस अभी रात में ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी है ना। तो जा रहे हैं वहीं पे वाटर अंडर पास पे। तो किरण जी चलें। चलो तो अभी मैं हाईवे के मेन लेन पे हूँ है ना, तो अभी मैं जाऊंगा वाटर अंडर पास। तो गाइस साइड से आप देख सकते हैं जो हाईवे का मेन लेन है और सामने सर्विस लेन है ना, तो उनके बीच में एक मिडन ड्रेन बनाई गई है, और भाई बोरवेल भी पानी के आप देख सकते हैं सामने, वो रहा सामने बोरवेल देख रहे हैं, तो वही बोरवेल में पानी अंदर जाएगा। और गाइस वाटर अंडर पास के पास मैं अभी जा रहा है ना, तो आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे स्नो प्रोटेक्शन भी हो गया है और शूट ड्रेन भी प्रॉपर बन गए हैं। और गाइस ये देख रहे हो, ये रोड का पानी अगर बारिश होगी तो यहाँ से फ्लो होके शूट ड्रेन से होते हुए नीचे वो चैम्बर है ना, RCC चैम्बर, उसमें पानी गिरेगा, और वो कनेक्ट है भाई मिडन ड्रेन से, उसमें पानी जाएगा। और गाइस वाटर अंडर पास के तो ये सारा जो पानी कलेक्ट होगा वही जाएगा बोरवेल के अंदर, तो भाई पानी का संरक्षण किया जा रहा है, पानी वेस्ट ना हो, तो इसके लिए ज़मीन में ना बोरिंग करके भाई उसी में पानी सब चला जाएगा। और गाइस आगे पहुंच रहे हैं हम वाटर अंडर पास के, तो आपको पूरी वहां पे जानकारी दे दूंगा। ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो है पैकेज 5 की। और गाइस पैकेज 5 में जो जितना भी काम है वो हो गया है यहाँ पे, और मैं जाऊँगा कल, तो आपको दिखाऊँगा पैकेज 4 का वर्क। फाइनली मैं अब आ गया शूट ड्रेन से, नीचे उतर रहा हूँ। आ जाओ नीचे। तो दोस्तों ये जो मिडन ड्रेन है ना वो वाटर अंडर पास से कनेक्ट हो रही है ना, तो ये आप प्रॉपर देख लो। और भाई जो ये वर्क है वो बदायूं डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। और गाइस ये रहा वाटर अंडर पास, तो भाई ये रहा सामने हाईवे का मेन लेन, और इधर आप देखेंगे भाई सर्विस लेन, तो भाई सवारी चलती रहती है यहाँ पे है ना। तो भाई पूरी ये जो मिडन ड्रेन है वो इसमें आके कनेक्ट हो जाएगी वाटर अंडर पास में, तो ये आप देख लो भाई, इसके नीचे से ना पूरे रोड के पार निकल जाओगे ना, तो पानी के लिए छोड़ा गया है ताकि पानी उधर का पानी फ्लो होके और इस साइड निकल जाए। और सामने आप देख रहे हैं सर्विस रोड, तो भाई सर्विस रोड पे भी ऐसे सवारी चलती रहती हैं। पर दोस्तों इसके नीचे है भाई पूरा खुला हुआ है, इसके नीचे जाओगे दूसरी साइड निकल जाओगे भाई। हमारे साथ आए लोग ही शक्ल देख लो भाई, लग रहा है 10 पुशअप मार के आया है। बॉडी दिखाइए ज़रा। अरे गजब क्या खाया आज है? पता भाई आप जिंदगी पहली बार ऐसा बंदा देख रहे थे, पता ना क्या खाया
पता ना, पता ही ना क्या खाया तुमने, क्या खाया? और भाई ये आप देखते हैं मिड डैम, तो भाई ये बहुत दूर तक बनी हुई है, जहाँ से स्टार्टिंग हुई है हाईवे की और जहाँ पे एंड हुआ है मेरठ से प्रयागराज, तो वहाँ तक ये पूरी बनी हुई है, राम राम गाइस, है ना। और भाई इसी के पास से आप देखेंगे तो शूट डैम भी बना दिया गया, और यहाँ पे अभी RCC चैम्बर नहीं रखा गया है, हाँ तो भाई यहाँ पे रखा जाएगा RCC चैम्बर। और भाई इसके पास से आप नीचे से भाई खेत भरना होता है किसी को, अगर किसी का इस हाईवे के दूसरे पार खेत है तो भाई यहाँ से पाइप डाल लेते हैं, बहुत से लोग नीचे नीचे ले आते हैं और भाई वहाँ पे आराम से खेत भर लेते हैं। अंडर पास आप देख सकते हैं ना, इसी में मिडन ड्रेन कनेक्ट होगी। तो भाई मेरी वीडियो देख, मेरी जरूरी जरूरी ना जरूरी है। तो भाई ये वर्क मैंने दिखा दिया है, भाई अंधेरा हो गया तो ब्लॉग को यहीं पे भाई ख़त्म करते हैं ब्लॉग को, है ना, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो भाई ये बंदे हैं भाई बहुत बढ़िया हैं, शॉर्ट में आते हैं, है ना, तो इसकी वीडियो आपने देखी होगी, क्यों खुद की वीडियो देखते हो, देखते हो तो बढ़िया, ये बंदा बढ़िया का नाम बताओ। तो ये हमारे गांव के हैं, गुमनाम इनका नाम है, पता नहीं। तो गाइस आई होप वीडियो हमारे आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करो, ट्रैक करना नहीं भूलना, गाइस ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो अपन देखते रहिए, भले करके आता रहूँगा, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।